कुवैत के अंदर, उधर भी अभी से आप बुकिंग करवा दें कि रिजर्व सीट की है, रिजर्व सीट तो पीपल्स पार्टी की है। मालदीव में इलेक्शन हो रहा है 21 अप्रैल को, उसकी भी रिजर्व सीट आप इनको दे दें। इसके अलावा बेल्जियम में हो रहा है, पूरी दुनिया में इस साल बेस्टर ममालिक में इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक ठाक सीटें मिल सकती हैं आपको। ओ भाई, हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम वापस आ गए बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है फैसल जावेद की टिकटॉक कंपाइलेशन। और हम इनकी पहली बार टिकटॉक देख रहे हैं ना, और हमें नहीं पता ये कौन है, शायद पीटीआई के सपोर्टर है, इतना तो हमें पता ही है। बाकी देखते हैं कि ये वाली टिकटॉक कैसे होने वाली है। तो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज हम देख रहे हैं मैचेस हो रहे हैं पीएसएल के, वहां पे जो खाली निशस्ते हैं वो भी आप ले लो, वो भी इनको दे दे। आज हम देख रहे हैं पैनामा में, लैटिन अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहा है 5 मई को, वहां की भी आप एडवांस बुकिंग करा दें कि उधर की भी रिजर्व सीटें आपको दे दें। इसके अलावा कुवैत में 4 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहा है कुवैत के अंदर, उधर भी अभी से आप बुकिंग करवा दें कि रिजर्व सीट की है, रिजर्व सीट तो पीपल्स पार्टी की है। मालदीप में इलेक्शन हो रहा है 21 अप्रैल को, उसकी भी रिजर्व सीट आप इनको दे दें। इसके अलावा बेल्जियम में हो रहा है, पूरी दुनिया में इस साल बेस्टर ममालिक में इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक ठाक सीटें मिल सकती हैं आपको। ओ भाई, ठीक ठाक सीटें मिल सकती हैं। वैसे भी पैनामा जैसे ममालिक में आपके सेफ सीटें भी आ जाएंगी, रिजर्व सीटें भी आ जाएंगी, आप ले लें वो सीटें। इस वक्त हम क्या पैगाम दे रहे हैं, ये जो नौजवान यहाँ गैलरी पे बैठे हुए हैं क्या देख रहे हैं, चीटिंग देख रहे हैं कि ये होगा, इन नौजवानों की वोट के साथ ये होगा, वोट दे दे। जुल्म करते हुए लोग सोचते नहीं कैसे हो गए, भयानक होगा। जब इंसान किसी का जुल्म करेगा तो वो चैन की नींद सोएगा कि हो सकता है इमरान रियाज खान ऐसा करोगे फिर वैसा। कितने चेंजेस आए, कितने स्मार्ट थे इमरान रियाज खान, है ना, बिफोर आफ्टर। भाई आपने क्या कर रखा है पाकिस्तान के, इनको दूसरी पार्टी को वो किस कानून के तहत दे दी गई है, ये सवाल है। आज हम देख रहे हैं के मैचेस हो रहे हैं पीएसएल के, वहां पे जो खाली निशस्ते हैं वो भी आप ले लो, वो भी इनको दे दे। आज हम देख रहे हैं पैनामा में, लैटिन अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहा है 5 मई, वहां की भी आप एडवांस बुकिंग करा दें, उधर की भी रिजर्व सीटें आपको दे दें। इसके अलावा कुवैत में 4 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहा है कुवैत के अंदर, उधर भी अभी से आप बुकिंग करवा दें कि रिजर्व सीट तो उनकी है, रिजर्व सीट तो पीपल्स पार्टी की है। मालदीप में इलेक्शन हो रहा है, उसकी भी रिजर्व सीट आप इनको दे दें। इसके अलावा बेल्जियम में हो रहा है, पूरी दुनिया में इस साल बेस्टर ममालिक में इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक ठाक सीटें मिल सकती हैं, ठीक ठाक सीटें मिल सकती हैं। वैसे भी पैनामा जैसे ममालिक में आपके सेफ हेवंस तो हैं, आपकी सेफ सीटें भी आ जाएंगी, रिजर्व सीटें भी आ जाएंगी, आप ले लें वो सीटें। इस वक्त हम क्या पैगाम दे रहे हैं, ये जो नौजवान यहाँ गैलरी पे बैठे हुए हैं क्या देख रहे हैं, चीटिंग देख रहे हैं कि ये होगा, इन नौजवानों की वोट के साथ ये होगा, वोट दे दे। लोगों की मंशा क्या है कि इनकी इतनी सीटें हो, इनको हमने वोट दिया है। अव्वल तो आपने मैंडेट चोरी किया है, 180 सीटें नेशनल असेंबली की तहरीक इंसाफ ने जीती है, उसके बाद आपने क्या किया, सिर्फ 90 सीटें और आपने सीटें चुराई, और उसके बाद फिर रिजर्व सीट भी चोरी। तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं, अवाम की मंशा क्या है, उन्होंने किसको वोट दिया है, लोग क्या कह रहे हैं। आज फॉर्म 45 जो अपलोड हुए हैं कल, वो सारी कहानी बता रहे हैं कि ओरिजिनल क्या है और फेक क्या है, सब कहानी बता रहे हैं। इसलिए अदालतों से हम डिमांड करते हैं कि आजादाना तहकीकात करें, और इस क्यादत और अवाम के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको खत्म किया जाए, और जो अवाम के नुमाइंदा जिन्हें उन्होंने चुना है वही नुमाइंदगी करें अवाम की। मैं आखिर में एक बात करूंगा कि कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, इमरान खान को सियासत नहीं आती, लेकिन आज सारे इमरान खान की जीती हुई सीटें उससे मांग रहे। आज इमरान खान को, एक सेकंड बात खत्म करो, चेयरमैन साहब मैं जब भी बात करता हूँ आप मुझे टोकते, मुझे बात खत्म कर रहा हूँ। आज कहते हैं इमरान खान को सियासत नहीं आती, आज इमरान खान की जीती हुई सीटें आप मांग रहे हैं। आज कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, लेकिन आज इमरान खान के मुखालिफ इमरान खान का नाम लेकर मीडिया की रेटिंग बढ़ा रहे हैं, अपने व्यूज बढ़ा रहे हैं। आज कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, लेकिन इमरान खान ने इस मुल्क में क्लीन स्वीप करके दिखाया है, और क्लीन स्वीप करके दिखाया, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं।
बहुत ही कमाल की वीडियो थी, बहुत ही कमाल की वीडियो थी। और इसको देख कर ना बहुत ज्यादा, जो वो बिफोर और आफ्टर दिखाया गया था ना, उससे तो सीरियसली दिल दहल गया था, दहल गया था कि लाइक कि क्या ये क्या तब्दीली आई है भाई, इतनी जल्दी ये पॉलिटिशियंस को क्या कर दिया। वो पहले कैसे थे, इमरान रियाज खान को देखकर तो मैं हैरान ही हो गई, क्योंकि वो कितने ज्यादा स्मार्ट थे, उनके चेहरे पे वो एक नूर था, है ना। और जो वो खोगा था उनके तो बोलना नहीं चाहिए, उनके तो बाल में ऐसे लग रहा था शॉक लग गया, जैसे बेचारे कितनी गलत चीजें कर रखी है उनके लिए। और इन्होंने जैसे जब वो चीजें बोल रहे थे, जिस हिसाब से वो टॉन दे रहे थे, आप एक काम करो, मालदीव्स में इलेक्शन हो रहे हैं और देशों के नाम लिए गए, आप वहां पे भी रिजर्व सीट करवा लो। कि देखा जाए ये धोखा ही किया गया है कि जो अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने वोट किसी और को दिया और वो काउंट किसी और किस्म, तो वोट देने का फायदा क्या है? आप वोट मत करो, आप सीधा बोल दो भाई मैं ही हूँ आज से तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर, वो ही बेस्ट है, ठीक है, वो ही फॉर्म 40 करने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, मतलब कि वो इतने दिन का इलेक्शन का पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो ना, मतलब इलेक्शन में कितना पैसा लगता है यार, वो मत वेस्ट करो आप, ठीक है, उसका चलो आप भाई पाकिस्तान की आवाम बहुत गरीब है उनमें बांट लो, आप खुद बन जाओ प्राइम मिनिस्टर। सही बात है, उन्होंने बोला ही वो बहुत उससे कि यार कि मतलब नहीं होने चाहिए पाकिस्तान में इलेक्शन अगर यही करना होता है, क्योंकि वोट किसी और को देते हैं जाते किसी और ये सब पूरे लोगों को पता है कि जब आधी आवाम जो पाकिस्तान की है, जो 70% लोग पाकिस्तानी ऐसे है कि हम लोगों ने इमरान खान को वोट किया है ना, तो वो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है वो शहबाज शरीफ की तरफ चले गए, क्योंकि हम लोगों ने इमरान खान की रैलीज में देखा है यार, देखा है लोगों को लोग है भाई लिटरली। और आप कैसे कर सकते हो कि वो लोग, उनका कोई गिन ही नहीं रहा है उन लोगों को, कि मतलब मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आप ये सोचो कि एक वीडियो को एडिट करते हैं ना, ये एडिट्स बनाने में कितना टाइम लगता है, आधा एक घंटा लगता है लोगों का, 15-15, 20-20 मिनट लगते हैं, फिर भी लोग करते हैं इमरान खान के लिए, उनको नहीं पता कि इमरान खान वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, फिर भी लोग कर रहे हैं, ठीक है। वो छोटा सा बच्चा जो मतलब कि रो रहा था इमरान खान को मिलने के लिए, जब वो मिला तो वो यार वो बहुत जेन्युइन था, वो उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, कि वो इतना छोटा सा बच्चा इतना वो हो गया था कि यार इमरान खान से मिल लिए, बहुत बड़ी बात है वो। तो यार आप अगर बच्चों के दिल जीत रहे हो, अगर आप मतलब लोगों की वो कर रहे हो दुआ ले रहे हो, उन्होंने 14,000 करोड़ विद इन शायद आर या 2 आवर्स ले लिए थे, लोगों ने उनको डोनेट दिए सिर्फ इमरान खान को, अदरवाइज आप नवाज शरीफ को बोल के दिखाओ लोग उनको 10 रुपए ना दे कोई, क्योंकि यार पता है जब वो पैसा खाना है वो अपने जेब में रखना है, क्यों देगा ना कोई यार, जब इमरान खान की वो यार दाद देनी पड़ेगी उनको, कि अगर उनकी जगह कोई भी होता उनके साथ इतना बुरा हो जाता, कोई भी हार जाता अभी भी, लेकिन वो स्टिल नहीं हार रहे, और मैं उनको भी मतलब कि उनका भी बोलना पड़ेगा, उनकी जितनी तारीफ हो सके कम करनी है उनके पॉलिटिशियंस की जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही कमाल की वीडियो थी, और फैजल जावेद भाई बहुत बहुत सही पॉलिटिशियंस है। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करें अगर आपने। बाय।